नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के जौनपुर से है। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा के उपचुनाव में कमल खिलाने के लिए आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर है यूपी के जौनपुर से, जहां मल्हनी विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम यूपी केशव मौर्य जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं जौनपुर से सुशील तिवारी की रिपोर्ट। मल्हनी विधानसभा सहित प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतर से विजयी होने की पूरी संभावना है। हम लोगों ने सर्वे किया, हमने संगठनात्मक अभियान चलाया, इससे विजय की पूर्ण संभावना। हम तो चाहते हैं बसपा सपा कांग्रेस सब फूट पड़ जाए, सब उनका समापन हो जाए। भाजपा में तो फूट नहीं पड़ी है ना। 2 गज की दूरी क्या अब नहीं है जरूरी? ये तो पहले मेरे पत्रकार मित्र बताऊं। नहीं, लगातार 2 गज की दूरी निरंतर जरूरी, मास्क जरूरी। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। पालन नहीं हो रहा है? हाँ, पालन हो रहा है।